कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता है, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछाल। ये कहावत सोहगढ़ के हुलास टोला के एक छात्र ने चरितार्थ करके दिखाया है। पिता की कम उम्र में मौत हो गई और उसके बाद बड़े भाई मजदूरी कर पढ़ा रहे हैं और आज जिला टॉपर हो गया है। नमस्कार, न्यूज 18 मधेपुरा देख रहे हैं आप और मैं हूँ रविकांत कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा सदर प्रखंड के सोहगढ़ पंचायत के हुलास टोला में हैं। मेरे साथ सोनू है और इनके साथ इनके सभी दोस्त हैं, यहाँ के गांव के लोग हैं, इन्हें बधाई देने आ रहे हैं क्योंकि मैट्रिक का जो रिजल्ट जारी हुआ है इसमें जिला टॉपर हुआ है। सोनू 11वां नंबर है, एक दो अंक के लिए बिहार टॉप 10 में नहीं आ सका, बिहार टॉपर नहीं बन सका। और कैसे इसकी, जैसा कि हमने अभी पता किया तो बताया गया कि ये तीन भाई हैं और जो बड़े भाई हैं वो मजदूरी करते हैं, कमाते हैं और छोटे भाइयों को पढ़ा रहे। गांव के जो लोग हैं वो सोनू को खूब सपोर्ट करते हैं और क्या कुछ कैसे इन्होंने ये किया हम इन्हीं से जानते हैं। कैसा लग रहा है? सबसे पहले आपको थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार मैट्रिक के एग्जाम में इतना नंबर आया, 475 अंक। अच्छा, तुम अपने बारे में बताओ कि घर में और कौन कौन है। मेरा नाम सोनू कुमार है और मेरे पिता का नाम स्वर्गीय सुरेश यादव है, जिसकी डेथ कम से कम 10 वर्ष पहले ही हो गया था। मेरे माता का नाम खिटी देवी है, जो कि घर में गृहिणी का काम करता और कृषि में भी काफी सहयोग करती है। और मेरे बड़े भाई का नाम पिंटू कुमार है, जो कि हरियाणा में मजदूरी करके हमसे बड़े भाई चिंटू कुमार को पढ़ाती है। ये बताओ कि कितना कहाँ अंक आया है? मुझे मैट्रिक 2023 के एग्जाम में 500 में 475 अंक लाया और मैं मधेपुरा के जिला टॉपर हूँ। लेकिन मुझे दुख हुआ कि बिहार टॉप 10 में मुझे एक नंबर की खातिर नहीं हो पाया। अच्छा चलो, कोई बात नहीं है, और सफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। सोनू, हमें ये बताओ कि तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? मेरे स्कूल का नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सोगन ठाकुरबाड़ी मधेपुरा है। किस तरह से पढ़ाई करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं कोचिंग के अलावा 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी करती थी। कोचिंग में 3 घंटा का समय लगता था कोचिंग करने में, और 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी करते थे और रेगुलर प्रैक्टिस करते थे और रिवाइजिंग भी करते थे। इस प्रकार 500 में से 475 अंक। आ, आ, और क्या रुचि है, खेल खेलते थे कि नहीं खेलते थे? हाँ, स्पोर्ट के विषय में खेले थे। तो कौन कौन से खेल सोनू को पसंद? मुझे खो खो पसंद है, कबड्डी है। खो और कबड्डी पसंद। अच्छा, आज तो तुम्हारे यहाँ अभी मिठाई खिलाया जा रहा था तुमको, तुम्हारे गांव के लोग और तुम्हारे सर लोग आए हैं सम्मानित करने के लिए। कई सारे तुम्हारे जो क्लास के हैं वो भी अच्छा अंक लाए हैं, तो तुम्हें बधाई देने के लिए आ रहे हैं पूरे गांव के लोग, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे रिश्तेदार भी आए हैं और मान लिया कोचिंग सेंटर के समस्त शिक्षक और हमारे समाज के जितने भी लोग हैं वह मुझे बधाई देने के लिए आ रहे हैं। इस पर मैं बहुत ही खुश हूँ। सोनू आगे की पढ़ाई क्या करेगा? तुमने कहा कि थोड़ी सी के लिए चूक हो गई, तो आगे का क्या इरादा? आगे का प्लान है कि इससे हम मैट्रिक की अपेक्षा 12th में इसे और बेहतर करेंगे और टॉप 10 में अपनी जगह बनाएंगे 12th में। मैं ग्रेजुएशन करके IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। अगर लोगों का अगर सपोर्ट हो जाए तो भविष्य में बन सकते हैं। इनके गांव के कुछ लोग हैं, उनसे ही जानना चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम कुमार हुआ। आपके गांव का सोनू अच्छी अंक लाया है, आप लोग अभी बधाई देने आए हैं। सोनू जो बिहार में टॉप 10 से छूटे हैं, ये तो दुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन मधेपुरा जिला में टॉप किए हैं, इसके लिए मुझे बहुत ही खुशी है। ऐसा लग रहा है कि आज सागर का एक दीप प्रज्वलित हुआ है। इस तरह से सोनू के तरह यदि अच्छे 10 लड़के आगे बढ़े तो आने वाला भविष्य सोहगढ़ में IAS IPS की कमी नहीं रहेगी। और तुम्हारे इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहता? मैं अपने सफलता का श्रेय अपने मेहनत और माता पिता और बड़े भाई और माँ या कोचिंग सेंटर के समस्त शिक्षकों और समाज को देना चाहता हूँ, जो कि हमेशा डिमोटिवेटेड के भी समय में मोटिवेटेड करके पढ़ने के लिए जगाते थे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सोनू की माँ है, हम उनसे जानना चाहते हैं कि सोनू बचपन में कैसे थे और किस तरह तैयारी घर में वो करते थे। सोनू कल के क्या मैं बेसी घर में पढ़े रहिए भाई जी पढ़े रहिए केहन लागे?
बड़ बढ़िया सब चीज सबके अथी से चले छे, बड़ बढ़िया करे छे, पढ़बो कर छे, हतो गरी रहे छे, किसान छे। खेती किसानी में मदद करे या? करे छे, रहे छे, बड़ बढ़िया करे छे। अच्छा ई बताबू कि आय जिला में टॉप कर लके सोनू, आय अहाँ के केहन लागे? बहुत बढ़िया, और करते और बढ़िया, जते हेते पढ़े के लिखे भाइयो साथ दे छे, सब चीज कर छे, समाजियो साथ दे छे, बढ़िया लागे छे। और चीज के नहीं छे तो ये सोनू की माँ है और इनका कहना है कि सोनू पढ़ने लिखने के साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बटाते हैं और लगातार पढ़ाई की ओर ध्यान दे रहे थे। इन्हें काफी बेहद अच्छा लग रहा है कि आज उनके यहाँ देख रहे हैं कि लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग बधाई देने आ रहे हैं।